Hey guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक दुर्गा माँ की मूर्ति बना के दिखाऊंगा। सो गाइस, ये रही हमारी मिट्टी जो कि है नेचुरल मिट्टी है जो हमारी ज़मीन पर मिलती है। ओके, तो ये वही नेचुरल मिट्टी है। इसको मैं हमारे जो नदी है रिवर के साइड से मैं लाता हूँ। ओके, मतलब बिल्कुल नेचुरल मिट्टी है। तो इसी मिट्टी की मदद से आज का जो मूर्ति है वो हम बनाएंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मतलब आज की ये वीडियो है ना पूरी स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे कि देखिए, सबसे पहले का जो स्टेप है वो है एक बेस बनाना। मतलब जो दुर्गा मूर्ति आज हम बनाएंगे वो जिसके ऊपर बनाएंगे उस प्लेटफॉर्म को, मतलब उस बेस को पहले देखिए हम बना लिया है। अभी उसके ऊपर मैं भैंस को बनाऊंगा। मतलब दुर्गा मूर्ति के सबसे नीचे जो होता है वो है एक भैंस। तो उस बफेले को अभी मैं सबसे पहले बनाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसके बाद जो असुर है उसको बनाएंगे, उसके बाद लायन को बनाएंगे, और उसके बाद फाइनली हम दुर्गा मूर्ति को बनाएंगे। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज की ये जो मूर्ति है दुर्गा मूर्ति, इसको मैं बिना किसी स्ट्रक्चर के बनाऊंगा। मतलब इसके अंदर मैं कोई भी आर्मेचर नहीं दूंगा। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इतना बड़ा मूर्ति, इतना कॉम्प्लिकेटेड मूर्ति, इसको मैं बिना स्ट्रक्चर के कैसे बना लेती हूँ। तो गाइस, आसान भाषा में आपको मैं ये एक बात बता दूँ कि ये जो मूर्ति है ना, ये आपको थोड़ा टाइम लेकर स्टेप बाय स्टेप बनाना पड़ेगा, तभी आप बिना स्ट्रक्चर के बना सकते हो। मान लीजिए मैं इस भैंस को बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब भैंस कंप्लीट हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा सुखा लूँगा, मतलब पूरा नहीं, ठीक है, आधा सुखा लूँगा, इतना कि इसके ऊपर मैं दोबारा से मिट्टी चढ़ा सकूँ। और इतना सुखाऊँगा कि ये जो भैंस मैंने बनाया है इसको मैं दोबारा से तोड़ ना सकूँ, इतना सुखाना। ठीक है, तो इसके बाद मैं दोबारा से इसके ऊपर मिट्टी चढ़ा के और दूसरा फिगर बनाऊँगा। तो ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप बनाऊँगा ताकि नीचे का जो पोर्शन है वो थोड़ा हार्ड हो जाए और उसकी वजह से ऊपर का जो पोर्शन है वो उसके ऊपर टिक पाए, मतलब वो गिर ना पड़े। ठीक है, मतलब कि जो भी फिगर और जो भी मिट्टी से मैं बनाऊंगा उसको भी मैं यूज़ करूंगा एज ए स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको ये बात हजम नहीं हुई तो मैं दोबारा से इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लगाऊंगा कि किस तरीके से बिना स्ट्रक्चर के आप मिट्टी से कोई भी मूर्ति बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको भी ऐसा वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये भैंस है, ये कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए इसको मैंने थोड़ा बहुत सुखा लिया है। ठीक है, पूरा नहीं सुखाया, थोड़ा सुखा लिया है ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। और उसके बाद इस भैंस को मैं एक एज ए स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं इस असुर को मैं बनाऊँगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ये पूरा जो दुर्गा मूर्ति है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा। तो आप देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे कि कैसे मैं बना रहा हूँ इसको स्ट्रक्चर के बिना। ठीक है, तो गाइस देखिए, अभी मैं इस असुर को बना रहा हूँ, इसके बाद मैं लायन को बनाऊंगा और उसके बाद दुर्गा मूर्ति को बनाऊंगा। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगा और बिल्कुल ईजी प्रोसेस में बनाऊंगा। तो आप भी अगर ऐसे ही दुर्गा मूर्ति बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा है, लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल में दिखाया है कि किस तरीके से दुर्गा मूर्ति को बनाना चाहिए। ठीक है, और गाइस इससे पहले भी मैंने इस दुर्गा मूर्ति को बनाना दिखाया है कि किस तरीके से आप ऐसी दुर्गा मूर्ति आप बना सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो गाइस अभी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि अगर आप कोई भी पार्ट, एक भी पार्ट अगर स्किप कर देते हो ना तो आपको दूसरा पार्ट समझ में नहीं आएगा क्योंकि हर एक पार्ट आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी पार्ट आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ओके, सो गाइस मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाइए।
Thank you.
सो गाइस, यही थी हमारी आज के क्ले स्कल्पचिंग। आई होप आप सबको आज की ये क्ले स्कल्पचिंग बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की ये क्ले स्कल्पचिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो गाइस ज़रूर से मेरे को इन सब में फॉलो कर लीजिए। मेरे इस सारे सोशल मीडिया का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।